बच्चों आज हम आपको टॉकिंग इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बता रहे हैं जिसमें एक चीज कॉमन आ रही है जिसका नाम है कभी ना कभी तो। कभी ना तो पहले इसकी अंग्रेजी समझ लो, कभी ना कभी तो, इसकी अंग्रेजी लगेगी इसमें सब में लगेगी जितने भी है सेंटेंस सूनर और लेटर, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसे पढ़ते हैं सूनर और इसे पढ़ेंगे लेटर। पढ़ लोगे बहुत आसान है, बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है जिसमें बिल शेयर वगैरह लगता है। पहला, कभी ना कभी तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, कैसे बनेगा? सूनर और लेटर, इतना हो गया इसका यहां तक का। अब मैं अंग्रेजी बोलूंगा, बोलने की अंग्रेजी इसकी और मैं की अंग्रेजी आई, आई विल स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस बनके तैयार। कभी ना कभी तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। अगला, कभी ना कभी तो मैं दिल्ली जाऊंगा, देखिए सूनर ये कॉमन है समझे, और लेटर, सूनर और लेटर, आई विल, आई विल कहा जाऊंगा जाने की अंग्रेजी को, आई विल गो टू दिल्ली, समझ में आ रहा है? अगला, कभी ना कभी तो मैं एक गाना गाऊंगा, तो पहले तो इतनी जी बोले आप सुनर और लेटर, सुनर और लेटर, मैं एक गाना गाऊंगा, आई देखो इधर विल, गाने की अंग्रेजी क्या है? सिंग, सिंग आ सॉन्ग, एक गाना गाऊंगा, आई विल सिंग आ सॉन्ग। अगला, कभी ना कभी तो मैं कार चलाऊंगा या सीख जाऊंगा, सुनर और लेटर, आई विल लर्न टू ड्राइव कार, लर्न मानी सीखना। अगला, कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे, हैं? देखो सुनर और लेटर, तुम आ गया यहां पर, मैं आ गया था, यू आएगा, यू विल गेट मैरिड, अगला, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, सूनर और लेटर, तुम्हें यू विल नीड, आवश्यकता मेरी नीड। तो इस तरीके से सारे बच्चे समझ गए होंगे कि दूसरा सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और बाकी जोड़ना शुरू कहां से करना है, सूनर और लेटर। इस तरीके से सारे बच्चे सीख गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।